बड़ी खबर, अब से कुछ ही घंटे बाद नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। मोदी के साथ 65 से ज्यादा मंत्री आज शपथ लेंगे। पीएम मोदी से चाय पर मिलने जो मंत्री पहुंचे थे, जो चेहरे पहुंचे थे, वही आज मंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेंगे। इस बार सबकी नजर इसी बात पर थी कि मोदी 3.0 की कैबिनेट कैसी होगी, तो लगभग अब ये तस्वीर साफ हो गई है। आज नरेंद्र मोदी के घर जिन नेताओं का सुबह से जमावड़ा लगा था, जिन्हें टी पार्टी के लिए बुलाया गया था, वही चेहरे मोदी के मंत्रिमंडल में भी नजर आने वाले हैं। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल की कैबिनेट में एंट्री हो गई है। चुनाव हारने के बावजूद मंत्री बनेंगे रवनीत सिंह बिट्टू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण एक बार फिर से रिपीट हो रहे हैं, इन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि नितिन गडकरी एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। पिछली कैबिनेट से कई ऐसे चेहरे हैं जिनके इस बार छुट्टी हो सकती है। लगभग एक दर्जन ऐसे चेहरे थे जो मंत्री होने के बावजूद अपनी सीट नहीं जीत पाए, और माना जा रहा है कि वही चेहरे इस बार कैबिनेट से बाहर नजर आने वाले हैं। स्मृति ईरानी का नाम भी बताया जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। अनुराग ठाकुर को भी अब तक शपथ ग्रहण का न्योता नहीं दिया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला के पास भी अभी तक फोन किसी भी तरह का नहीं गया। स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर के नाम को भी आपको बता दें, लगभग बाहर होना ही माना जा रहा है। मोदी कैबिनेट में सहयोगी दलों के मंत्री भी आज शपथ लेंगे। सुरेश गोपी, पंकज चौधरी, चंद्र प्रकाश, ये तमाम वो नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। सीआर पाटिल, गजेंद्र सिंह शेखावत, मुरलीधर मोहोले, चंद्रशेखर, पेम्मा सानी, राममोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, श्रीपद यशो नाइक, रामदास अठावले, भागीरथ चौधरी, ये तमाम वो चेहरे हैं जो मोदी 3.0 में मंत्री पद की आज शपथ ले सकते हैं।